डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो पे आप लोगों को एक ऐसा फिश मार्केट दिखाऊंगा जहाँ का मछलियों का प्राइस इतना सस्ता है कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। लाइक सिबरम मछली 12 रुपये करके मिल रहा था, इतना बड़ा साइज का गोल्ड फिश 60-70 रुपये करके मिल रहा था। मौली फिश वहाँ पे दोस्तों 3 रुपये से स्टार्टिंग था। ऐसे ही बहुत सारा मछली है वहाँ पे इतना सस्ते में। आप लोगों को एक एक करके मछली का पैकेट दिखाऊंगा और सब मछलियों का प्राइस बताता जाऊंगा। पूरा ब्लॉग ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पे लाइक देख सकते हो बहुत सारा कार्प मछली का वैरायटी है। पूरा पैकेट आप लोगों को मिल जाएगा 50 रुपये के अंदर। लोकल कप्पी का भी बहुत सारा वैरायटी था, 2-3 रुपये करके यहाँ पे मिल रहा था। लिली गोरामी का प्राइस यहाँ पे 10-12 रुपये 8 रुपये ऐसा करके था। और यहाँ पे बहुत सारा बेटा फिश भी मिल रहा था। तो बेटा फिश जब दिखाऊंगा दोस्तों उस टाइम पे आप लोगों को पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि यहाँ से मछली लेके आप लोग ब्रीडिंग कर पाओगे या फिर नहीं, और ब्रीडिंग अगर कर पाओगे तो उसका बच्चों का क्वालिटी अच्छा निकलेगा या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कॉमेंट करते हो बहुत पहले से कि भाई मैं कोई होलसेल फिश मार्केट से लाइक उंगुराटी पेट मार्केट या फिर गली स्ट्रीट का पेट मार्केट वहाँ से बेटा फिश खरीद के ब्रीडिंग करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ या नहीं। तो आज की इस वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जब बेटा फिश दिखाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी यहाँ पे तो मौली फिश का भंडार है, क्योंकि हर बार आता हूँ यहाँ पे, हर बार बोलता हूँ यहाँ पे मौली फिश भर के है, वो तो दिखाऊंगा ही। और मेरा दोस्तों भांजे का बर्थडे था, तो वो बर्थडे के दिन कुछ कुछ हम लोगों ने उनको गिफ्ट दिया है, बहुत सारा रिमोट कंट्रोल कार और साइकिल वगैरह उनको मैंने गिफ्ट किया है। तो वो सब आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने शूट किया था वो वीडियो थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था आप लोग जानते हो, जिसके कारण मैं चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो वो सब वीडियो मैंने शूट किया था, अभी वो सब वीडियो एक एक करके एडिटिंग कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो उससे पहले दोस्तों सब लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो दिवाली आ रहा है, हम लोग लाइटिंग ना लगाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मैं अपने हाथों से ये मिनीचर लाइट बनाया है, पूरा तार वार अपने हाथों से अटैच किया था और पूरा फार्म को एकदम अच्छे से झकमक करके एकदम सजा दिया है। तो आप लोगों को लाइटिंग कैसा लगा जरूर कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। ये सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरीके का मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जैसा वीडियो मेरे इस चैनल पे आएगा। बाकी मेन चैनल पे तो जानते हो बहुत जल्दी वीडियो आएगा, बहुत दिनों से नहीं आया है, आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो जस्ट। तो हमेशा हर बार की तरह आज की इस वीडियो को भी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो सुबह 6:30 बजे मैं अपना साइकिल लेके निकल चुका हूँ उंगुराटी पेट मार्केट जाने के लिए। तो साइकिल को मैंने जमा कर दिया है, अभी बस पकड़ के मैं उतर चुका हूँ उंगुराटी पेट मार्केट के एकदम नज़दीक में, उंगुराटी चेक पोस्ट के नज़दीक। और ये जो उंगुराटी पेट मार्केट बैठता है वो अमित मार्बल का जो फैक्ट्री का ऑफिस है उसके एकदम बाजू में बैठता है। और ये जो बैठता है उंगुराटी पेट मार्केट, ये हर फ्राइडे के दिन बैठता है सुबह 6 बजे से शुरू करके दोपहर 2 बजे 4 बजे, मतलब सर्दी का मौसम पे 4 बजे तक रहता है, गर्मी का मौसम पे 2 बजे के अंदर खत्म हो जाता है मार्केट। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को एंट्रेंस पे ही मछली दिखेगा। मेनली यहाँ का जो थीम है, यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो मछली का ही है, मगर सर्दी का मौसम पे यहाँ पे कैट्स डॉग्स भी सेल होता है और हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बर्ड्स अवेलेबल मिलेगा, कॉकटेल बजरी से पिजियंस ये सब मिलेगा। तो चलो भाई हम लोगों का मेन इंटरेस्ट यानी कि मछली दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा फिश भी था, बेटा फिश के बारे में तो बात करूँगा। तो चलो भाई यहाँ पे ड्राई आइटम का बहुत सारा चीज़ें है, यहाँ पे कुछ लोकल फिश फूड है जो कचरा मानता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ लोकल मेडिसिन भी है मिथनेल ब्लू, वो सब तो आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मछलियों का प्राइस बताना शुरू करता हूँ। तो फिलहाल ये जो मछली देख रहे हो ये है डैमासोनी चिगलेट, ये मैं बहुत बार ब्रीडिंग करवाया हूँ, मेरे पास ये पहले था, मेरे दीदी के पास अभी है। ये यहाँ पे मिल रहा था 22 रुपये करके। यहाँ पे रेमिरेज़ी भी मिल रहा था, गोल्डन और थाइसिल दोनों ही था। गोल्डन का प्राइस था यहाँ पे 45 करके, थाइसिल का प्राइस था यहाँ पे 55 करके। अगर होलसेल में लोगे तो थोड़ा कम कर देगा ये लोग। यहाँ पे कुछ गप्पी मिल रहा था, गप्पी तो अंकल बोल रहा था गैलेक्सी ब्लू टाइगर है, मगर देख के तो मेरे को आप लोग देखो भाई किस एंगल से लगता है गैलेक्सी ब्लू टाइगर। तो वो गप्पी आप लोगों को मिल रहा था यहाँ पे 12 रुपये करके। ये कार्प मछली का पूरा पैकेट लोगे तो 50 रुपये करके आ रहा था, सिंगल अगर एक दो पीस लोगे तो यहाँ पे 12 रुपये करके दे रहा था। बड़ा वाला मिल्की कार्प यहाँ पे मिल रहा था 18 रुपये करके, मतलब 18 रुपीज करके। और यहाँ पे जो शिवराम देख रहे हो ये तो बोल चुका हूँ प्राइस 12 रुपये करके। ये गोल्ड फिश का पूरा पैकेट 120 रुपये पे मिल रहा था। और ये जो मछली देख रहे हो दोस्तों इसके नीचे ये जो गप्पी है थाइसिल गप्पी बोल के ये मेरे को दे रहा था, एक्चुअल में दोस्तों ये लजुली ब्लू का थोड़ा सा अच्छा कलर आया है तो इसके कारण ये इसका प्राइस 250 रुपीज़ से ज़्यादा पीआर बोल रहा है, तो ये ओवर प्राइस मेरे को लगा। बाकी यहाँ पे आज का यही गप्पी का पीआर मेरे को अच्छा क्वालिटी का लगा था, मगर ओवर प्राइस है। बाकी गोल्ड फिश का प्राइस यहाँ पे सेम ही है, कुछ गोल्ड फिश यहाँ पे 15 रुपये करके पीस मिल रहा था, कुछ गोल्ड फिश यहाँ पे 30 रुपये करके मिल रहा था। नीचे भी बहुत सारा वीडियो है। अच्छा, वीडियो जो लोग खरीदने आने वाले हो डायरेक्ट आके खरीद मत लेना, ठीक है।
अगर आप लोग वुड ऑफिस खरीदने वाले हो तो पहले सभी सेलर के पास जाओ, ढूंढो, क्योंकि कुछ सेलर यहाँ पे 3 रुपये में देता है, कुछ सेलर यहाँ पे वुड ऑफिस 7 रुपये में भी देता है। तो आप लोग ढूंढो जो सस्ते में दे रहा है उससे खरीदो। बाकी यहाँ पे जो मॉलिफिस का पूरा पैकेट है, इस मॉलिफिस के पैकेट में टोटल 15 मॉलिफिस है जिसका प्राइस है 50 रुपये। यहाँ पे भी सेम बहुत सारा मॉलिफिस का पैकेट है, किसी में 15 है जिसका प्राइस 50 रुपये है, किसी में 8 पीस है जिसका प्राइस 30 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से पूरा पैकेट में पैकेज बना के ये लोग सेल कर रहा है। और ये बोल पे आप लोग मछली मत रखना, हमेशा बोलता हूँ भाई, छोटा बोल है या फिर कोई भी बोल है, आप लोग मछली मत रखो, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं हमेशा मना करता हूँ आप लोगों को। और जो लोग मेरे को बोलते हो कि दादा आपका बेटा फिश इतना महंगा होता है, लोकल में बेटा फिश सस्ता मिलता है, तो लोकल बेटा फिश का क्वालिटी देख लो भाई। ये आप लोगों को जो बेटा फिश दिखा रहा था वो 22 रुपये का बेटा फिश था, मेरा वाले का बेटा फिश का क्वालिटी आप लोगों ने देखा है, तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे कुछ गप्पी फिश है, सेंटा क्लॉस गप्पी बोल रहा था ये मेरे को, मगर ये सेंटा क्लॉस का लाइन जो है वो क्रॉस हो चुका है, जिसके कारण ये सस्ते में इसको दे रहा है 22 रुपये करके। यहाँ पे कुछ लिली गोड़ामी है, लिली गोड़ामी यहाँ पे 8 रुपये करके है, होलसेल में लोगे पूरा पैकेट तो 8 रुपये करके, रिटेल में अगर इसको पैकेट खोलना पड़ गया मिनिमम 5 पीस लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस बोलेगा 20 रुपये करके। यहाँ पे जो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा मछलियाँ भी ये अंकल खोलेगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह पहुँच गया था, ये लोग दुकान लगा रहा था उससे पहले मैं पहुँच गया, तो दुकान लगाने के बाद भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत देर से था तो वीडियो पूरा बनाया है। यहाँ पे जो मछली देख रहे हैं दोस्तों, ये सब बेटा फिश है, बेटा फिश यहाँ पे जो मिल रहा था दोस्तों डम्बोयर बोल रहा था, डम्बोयर का ही मछली है, मगर एआर जो है वो उतना बढ़िया भी नहीं है, तो 150 रुपये करके वो ले रहा था, वार्थित नहीं लगा मुझे 150 रुपये इसका। और यहाँ पे जो देख रहे हैं सब लोकल बेटा फिश है, ये 4 रुपये करके मिल रहा था, लोकल बेटा फिश तो इतना ही सस्ते में मिलते हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे मिल्की कार्प मिल रहा था 8 रुपये करके। यहाँ पे दो जो बेटा फिश था इनका कलर मेरे को अच्छा लगा, फिन का सेप उतना भी बढ़िया नहीं था, कलर अच्छा था। ये डम्बोयर वाइड वाला 250 का प्राइस बोल रहा था, ब्लैक वाला का प्राइस 300 बोल रहा था, ओवर प्राइस एज ऑलवेज। मगर यहाँ पे जो मॉली फिशेज वगैरह है ये बहुत सस्ते में दे रहा था मॉली फिश। यहाँ पे जो देख रहे हो बेलून मॉली, ये बेलून मॉली आप लोगों को 8 रुपये करके मिल जाएगा, अगर होलसेल में लोगे तो 5 रुपये करके पूरा पैकेट समझ लो। और नीचे तो कैटफिश था, कैटफिश यहाँ पे मिल रहा था 12 रुपये 15 रुपये के अंदर। और इधर दोस्तों बहुत सारा रेनबो शार्क है, यहाँ पे कुछ रोजी बार्ब है, तो रेनबो शार्क का प्राइस आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। रेनबो शार्क यहाँ पे 18 रुपये से लेके 22 रुपये के अंदर मिल रहा था, होलसेल और रिटेल के अंदर डिफरेंस होगा। और जो रोजी बार्ब है वो मिल रहा था यहाँ पे 6 रुपये करके। चिकलेट फिश भी मिल रहा था, चिकलेट फिश तो दिखाया आप लोगों को, वो चिकलेट फिश वहाँ पे प्राइस बोल रहा था कितना 22 रुपये करके पर पीस था। और ये रेनबो सर का प्राइस सेम है वहाँ पे 18 रुपये 22 रुपये, ये सब सेम है, क्योंकि ये एक ही सेलर के पास है, आमतोरा नाम का एक जगह है, वहाँ से ये जो अंकल है वो सेल करता है, और ये अंकल के पास हमेशा बहुत सारा वैरायटी होता है। तो वीडो फिश ये अंकल सेल कर रहा था 4 रुपये करके, ऊपर मॉली फिश का कुछ पैकेज था, एंजल फिश का भी पैकेज बना के सेल कर रहा था, मगर वो पेयर नहीं है, ठीक है, कुछ लोग पेयर बना के सेल करते हैं मगर वो कन्फर्म पेयर नहीं होता है, किसी में 2 मेल होता है, किसी में 2 फीमेल होता है, कुछ कुछ में 1 मेल 1 फीमेल होता है, ठीक है, तो आप लोग ये मत समझने की वो जाके बीट करेगा, बहुत कम चांसेस है। तो एंजल फिश का जो आप लोगों को दिखाया वो आप लोगों को मिल जाएगा 30 रुपीज़ करके पैकेट, बड़ा साइज का जो था वो 50 रुपये करके था। टाइगर बार्ब अभी दिखाया था, टाइगर बार्ब आप लोगों को 6 रुपये 8 रुपये करके मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ आप लोगों को हॉर्न वेराइटी का ही मछली दिख जाएगा, शॉर्ट बॉडी हॉर्न बोल रहा था, तो वो यहाँ पे 80 रुपये करके पीस था, लैट टेल वाइट बेलून वाली था, वो आप लोगों को 12 रुपये करके मिल जाएगा। और भी बहुत सारा मछली है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि पीछे जो तिरपाल है जो प्लास्टिक है वो दिया था, धूप ना गिरे, मछली का पानी हीट ना हो जाए इसलिए। और यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ चिगलेट था, चिगलेट यहाँ पे जो बड़ा साइज़ का है वो बड़ा साइज़ का चिगलेट 120 रुपये करके था, जो छोटा साइज़ का चिगलेट है वो यहाँ पे 80 रुपये का इसका सेल हो रहा था। तो साइज़ के हिसाब से भी वो सेल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो पैकेट के अंदर है सबका प्राइस सेम है, पैकेट के अंदर भी साइज़ के हिसाब से सेल कर रहा था, मगर वीडो फिश सबसे में यहाँ पे 6 रुपये 8 रुपये 4 रुपये ऐसा करके। मगर जो वीडो फिश यहाँ पे आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ मैक्सिमम मेल से, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इनके अंदर पेट के अंदर अंडा नहीं है, इस साइज़ का वीडो फिश के अंदर अंडा आ जाना चाहिए। और ये वाला मॉली फिश का पैकेट के अंदर मॉली फिश थोड़ा सा बीमार था, आप लोगों को देख के ही पता चल गया, अगर आप लोगों को पता नहीं चला है एक बार आप लोग वीडियो को फिर से देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा फिन उसका थोड़ा सा ख़राब था। तो जब भी जाओगे ना ऐसे होलसेल पेट मार्केट पे थोड़ा सा देख के खरीदना, मछली का हेल्थ अच्छा है या नहीं, उसका फिन देखो, मछली का पहले एक्टिवनेस देखो, घूम रहा है या नहीं, वो लोग क्या करेगा पैकेट के अंदर थप्पड़ मारेगा मछली तो भागेगा ही ना, तो आप लोग पहले देखना अच्छे से। तो मछली तो आगे आप लोगों को दिखाऊंगा ही, उससे पहले मेरा भांजे के लिए मैं क्या गिफ्ट लाया था वो एक बार देखो। तो ये किंडर जो तो मैं उसके लिए लाता रहता हूँ, वो छोड़ो ये जो पैकेट के अंदर चीज़ है ये मेन चीज़ है। तो चलो भाई इसको सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, देखो भाई लोग इसके अंदर कौन सा खिलौना है। जब मैं बचपन में मतलब ये सब खिलौना देखता था मेरे को बहुत मम्मी पापा के पास जिद करता था ख़रीदने के लिए, और वो लोग खरीद के भी दिया है, मगर बड़ा होने के बाद भी मेरा ये जो खरीदने का सीन है वो गया नहीं है।
मेनली मैंने ये अपने भांजे के लिए खरीदा था, मगर बिना भांजे के चक्कर में मैंने भी उससे अच्छे से खेल लिया। किस किस को अभी भी रिमोट कंट्रोल कार से खेलना बढ़िया लगता है आप लोग बताना। और नीचे जो राइस का हाड़ी है वो मतलब पूरा हट गया था, इतना इसमें पावर है। और किंडर जॉय से ये खिलौना निकला है, ये किंडर जॉय का खिलौने का पूरा कलेक्शन है हम लोगों के पास। टोटल मेरे पास किंडर जॉय का खिलौना है 175 के आसपास, और मेरे भांजे के पास आज से 200 के ऊपर ये खिलौने का कलेक्शन है। आप लोगों को एक दिन हम लोगों का किंडर जॉय का पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा खिलौने का। और मेरा भांजा तो हमेशा ये बर्गर वर्गर बना के उल्टा सीधा खाना खाता है चिप्स के अंदर। तो चलो भाई वो सब तो आप लोगों को दिखाया, तो फिलहाल अभी आप लोगों को बेटा फिश दिखाऊंगा। बेटा फिश में यहाँ पे जो सेलर के पास देख रहे हो एक थर्मोकोल बॉक्स के अंदर पानी दिया है, वो पानी के अंदर ये सब जो डिब्बा है उसको रख दिया है ताकि पानी ठंडा रहे। यहाँ पे एक सुपर रेड कलर का बेटा फिश था ओएचएम के अंदर, यहाँ पे थाई फ्लैग भी है, यहाँ पे कुछ और भी है रेड ड्रैगन वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस स्टार्टिंग है 200-250, और जो नीमो कैंडी वगैरह भी यहाँ पे आता है वो सब यहाँ पे 500-600-400 ऐसे करके आता रहता है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे देख लो पूरा कैसा सीन है, यहाँ पे पूरा थर्मोकोल बॉक्स के अंदर है ताकि पानी ठंडा रहे। और यहाँ पे थाई सिल्क रेमिडेजी है जो कि शॉर्ट बॉडी के अंदर कुछ है। शॉर्ट बॉडी के अंदर कोई भी मछली आप लोग मत खरीदना, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन लोगों का जो बॉडी है वो शॉर्ट होने के कारण उन लोगों का इंटेस्टाइन मतलब पेट के अंदर जो खाना जाने का जगह है उसको इंटेस्टाइन बोला जाता है, तो वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है उनका बॉडी छोटा होने के कारण। तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो बाद में जाके उन लोगों में बीमारी भी बहुत जल्दी लग जाता है, तो वो लोग जल्दी मर जाता है, तो मत खरीदना। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉबेरी चिल्लर रेड आई के ऊपर 25 रुपये करके था। जो रेड कैप गोल्डफिश आप लोगों ने देखा वो यहाँ पे 15 रुपये करके 20 रुपये करके मिल रहा था। मॉली फिश का तो प्राइस बता चुका हूँ भाई। और यहाँ पे गप्पी का नाम वो लोग बोला फैंसी गप्पी, एक्चुअल में वो लोकल गप्पी का मिक्सिंग में है थोड़ा सा लॉन्ग टेल के ऊपर, वो 25 रुपये करके मिल रहा था। बेटा फिश जो आप लोगों ने वो देखा वो टांग रहा था, वो वहाँ पे 25-30-35 ऐसे करके था साइज़ के ऊपर कलर के ऊपर। अभी यहाँ पे जो आप लोग बेटा फिश देख रहे हो ये अंकल अपने घर पे ब्रीडिंग करवाया है, अपने घर पे इंपोर्टेड मछली लेके साथ से ब्रीडिंग करवाया था, जो मछली देख के मेरे को लग रहा है। तो इंपोर्टेड मछली से जो सब बच्चा निकला है वो सब बच्चा यहाँ पे ला के सेल कर रहा है। अब मेरे को दोस्तों मछली देख के जो लग रहा है इंपोर्टेड मछली मेल था, फीमेल इन लोगों ने खराब क्वालिटी का यूज़ किया है, जिसके कारण इन लोगों का मछली में जो टेल है वो प्रॉपर ओएचएम शेप का ना आके थोड़ा सा व्हेल टेल टाइप का आ गया है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लाकेट पहले देखो, प्लाकेट का क्वालिटी नॉर्मली ठीक ठाक आता है। ओएचएम एक कैंडी के ऊपर दिखाऊंगा आप लोगों को तो पता चलेगा। देखो ये प्लाकेट का बॉडी सब ठीक ठाक है, क्योंकि फीमेल नहीं शायद से इन्होंने प्लाकेट का यूज़ किया था, मगर ओएचएम जब दिखाऊंगा तो पता चलेगा। देखो ओएचएम का टेल कोई मतलब लंबा सा है, बस गोल शेप का जो ओएचएम होता है वैसा आया नहीं है। तो लोकल फीमेल यूज़ करने का यही बस एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जो फ्राई है वो ख़राब निकलता है। मतलब क्वालिटी कलर मेल के ऊपर जाएगा, मगर जो टेल से वो तो फीमेल के ऊपर जाएगा ना, तो फीमेल ख़राब होगा तो बच्चा भी ख़राब निकलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वालिटी का फीमेल खरीदो। बहुत सारे लोग बोलते हो ना 120 रुपये का फीमेल लेता हूँ, इसीलिए लेता हूँ क्योंकि ट्रिपल ए ग्रेड क्वालिटी का फीमेल होता है मेरा। फिलहाल देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा लोकल जो भेल टेल होता है वो है 22 रुपीज़ करके है, अगर आप लोग 100 पीस लोगे तो यहाँ पे शायद से वो 12 रुपये करके आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हो। और यहाँ पर भी बहुत सारा मछली इन्होंने अभी डाला हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारा लोकल बेटा फिश का फीमेल है। लोकल बेटा का जो मेल है और फीमेल है दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 रुपये से स्टार्टिंग है, अगर आप लोग 1-2 पीस लोगे तो 22 रुपये 35 रुपीज़ ऐसा करके आएगा। और ट्यूफ्लेक्स फॉर्म आज यहाँ पे सेल हो रहा था, ट्यूफ्लेक्स फॉर्म का प्राइस यहाँ पे कितना बताऊँ आप लोगों को, शायद से 20 रुपये में 50 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। तो चलो भाई वो तो मछली अभी और वीडियो में दिखाऊंगा, उससे पहले हम लोग एक आलमोंड लीफ का जो प्लांट से मैं दीदी के घर पर लगाया था उसका थोड़ा सा एक अपडेट इस वीडियो में दे देता हूँ। तो देखो दोस्तों हम लोग ऊपर का जो पेड़ का रूट है वो सब रूट बोल रहा हूँ, जो डालिया है वो सब कुछ हम लोग तोड़ रहे हैं। ये तोड़ने का दोस्तों एक कारण है, ये तोड़ते तोड़ते एक पत्ता टूट गया था भाई, इसका पत्ता टूटा ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर से कोई मेरा हाथ काट दिए, इतना बुरा लग रहा था। देखो कितना बड़ा साइज का है ये इसका पत्ता। तो ये जो हम लोग डालियाँ तोड़ रहे थे इसीलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इसका जो पेड़ है वो सीधा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, वरना ये अगर साइड से अपना डालियाँ निकालना शुरू कर देगा ना तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने में टाइम लेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए, उसके बाद इसका जितना डाली ऊपर जाकर निकले तो निकले। और मेरा घर पे जो आलमोंड लीफ था उसका थोड़ा सा अपडेट मतलब हालत ख़राब हो गया था, ऊपर बंदर हनुमान नाम का एक बंदर आता है हमारे यहाँ पे, बंगाली लोग जानते होंगे, तो उसने ऊपर से पूरा तोड़ दिया था उसका सर, जिसके कारण दोस्तों ये प्लांट्स पूरा मरने के हालत में चला गया था। देख सकते हो मेरा प्लांट्स मेरे दीदी के घर के प्लांट्स से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, मगर ये जो प्लांट्स है ऊपर से इसका जो मोटका है वो टूट गया था, जिसके कारण ये प्लांट्स का हालत अभी ऐसा हो गया है। मगर दोस्तों 3 महीने के बाद साइड से एक नया जो डाली है वो निकला है,
तो ये वाला डाली अभी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये वाला डाली बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों मेरा प्लांट्स का पूरा डाली मैंने तोड़ दिया था, जिसके कारण ये प्लांट साइड से कोई नया डाली निकल के बड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरा जो आलमल्ली इतना मैंने शौक से लगाया वो बड़ा नहीं होगा क्या। मगर हाँ, अभी अपडेट सही है। देखो ये जो डाली टूटा था वो आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पे भाई पता नहीं पत्तों में कीड़ा लगने का मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या करें। आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताओ, जो सब लोग थोड़ा सा ये प्लांट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हो बताओ, नीम का खली स्प्रे करें, नीम का जो पानी आता है उसका बनाने का थोड़ा सा तरीका बताओ। बाकी यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि आ की सीने कीड़ा कैसे ना लगे उसके ऊपर, देखते हैं भाई कुछ तो अपडेट में निकाल ही लूँगा। बाकी दोस्तों आप लोगों के घर के आसपास अगर आलमल्ली नहीं है, अगर कोदोम पेड़ का पत्ता है, मतलब कोदोम का जो पेड़ है वो है, तो आप लोग उसका भी पत्ता यूज़ कर सकते हो पानी को लाल करने के लिए। पत्ता कुछ ऐसा होना चाहिए पूरा रेड कलर का। और ये कोदोम पेड़ आप लोग किस तरीके से पहचानोगे, आप लोगों को एक फूल दिखेगा, पहले पत्ता देख लो कैसा दिखता है और इसके अंदर एक ऐसा फूल दिखेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। आप लोग प्लांट देख लो, इस प्लांट्स का पत्ता भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। पत्ता यूज़ करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, पत्ते को पहले आप लोग एक कंटेनर के अंदर या फिर एक ग्लास के अंदर डुबा के रखो, अगर पानी रेड हो रहा है तो ही वो पानी को आप लोग मछली के टैंक पे डालो। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है ये जो पत्ता है वो रेड करता नहीं है पानी को, सूखा पत्ता होने के बावजूद, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरा दी के घर पे ये जो आलमल्ली का पेड़ है, नीचे से कुछ जो डालियाँ है वो बहुत बड़ा हो गया है, जिसके कारण हम लोगों ने उसको तोड़ा नहीं है, तो वो रहने देंगे। बाकी यहाँ पे मेरा दीदी का कुछ फूल भी था, मैं ये फूल का वीडियो शूट नहीं करना चाह रहा था, मेरा दीदी ने ज़बरदस्ती बोला तो मैंने शूट कर लिया। तो चलो भाई थोड़ा सा सैमसंग का फ़ोन का क्लोज रेंज का फुटेज भी देख लो। मैं भाई जूम भी कर रहा था, जूम करके भी देख रहा था कि कौवे को मैं कितना दूर तक देख सकता हूँ। मगर हाँ, जितना देख सकता हूँ आप लोग देखो, कौवा नहीं है सॉरी, ये तो साथ से कबूतर था, कबूतर को कौवा बना दिया। तो चलो भाई हम लोग फिर से बैक करते हैं गुवाहाटी पेट मार्केट के वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कार्प दिख जाएगा, लोकल कार्प है यहाँ पे, लोकल कार्प आप लोगों को मिल जाएगा 8 रुपये करके। यहाँ पे भड़ा वाला जो गोल्ड फिश देख रहे हो ये आप लोगों को मिल जाएगा 40 रुपये में, जी हाँ दोस्तों। और जो इम्पोर्टेड वाला कार्प होता है, लाइक जो जापानीज कोई कार्प का बच्चा होता है, वो यहाँ पे मिल जाएगा करीब करीब समझो 15 रुपये के 20 रुपये के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स भी सेल हो रहा था डेकोरेशन का, तो कोई भी प्लांट्स का प्राइस मैंने तो पूछा नहीं है। और यहाँ पे कबीर दादा जो है वो मछली देख रहा है, मछली साथ से वो खरीदने वाला है पता नहीं। कबीर दादा को तो आप लोग पहचानते होंगे, मेरा बहुत अच्छा दादा जैसा मतलब बात होता है उनसे अच्छा खासा। तो फिलहाल यहाँ पर देखता हूँ तो चिकलेट मछली है, आइस पाउडर ब्लू बनाना, सबका प्राइस यहाँ पे 8 रुपये करके है। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ गप्पी का पैकेज बना के सेल कर रहा है, सेम आप लोगों को प्राइस पहले जो दिखाया था वो आप लोगों को 12, 15, 20, 25 रुपये करके ऐसा था। और यहाँ पर भी लोकल गप्पी है, जो भी गप्पी आप लोग देखोगे ना यहाँ पे दिखने में मतलब ठीक ठाक है, वैसा आप लोगों को जो फैंसी गप्पी दिखाता हूँ मैं वीडियो में, मेरे वीडियो में उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ से ही गप्पी पीस मिल जाता तो हम लोग केरला से थाईलैंड से क्यों मंगवाते गप्पी बताओ। फिलहाल यहाँ पे रेमिरीजी है, रेमिरीजी का भाई अभी ट्रेंडिंग चल रहा है क्या, रेमिरीजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बताना आप लोगों का अच्छा लगता है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पे रेनबो फिश भी था, तो जो सब भाई लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन पे रेनबो फिश लिख के रेनबो वाला जो इमोजी है वो कमेंट सेक्शन पे लिख दो, देखते हैं भाई लोग कौन कौन अभी तक देख रहा है मेरी वीडियो को। तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन पे रेनबो फिश लिखो और 3 रेनबो वाला जो इमोजी है वो लिख दो, मतलब वो स्पैम कर दो, देखते हैं कौन कौन अभी देख रहा है वीडियो को। तो फिलहाल इधर भी बहुत सारा मछली है, और ये अंकल अभी उनका मछली आ रहा है, मतलब उनका जो दोस्त है वो बाइक लेके अभी गया है मछली लाने के लिए। और ये जो मछली है वो दूसरा सेलर का मछली वो खुद बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि दूसरा सेलर का मछली ये लोग दूसरा सेलर को भी बेचने दे देते हैं, ऐसा सीन है। यहाँ पे सब लोगों में भाईचारा बहुत बढ़िया है और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पर रेटल कैटफिश था, रेटल कैटफिश यहाँ पे सेल हो रहा था 250 करके, अच्छा छोटा साइज होगा तो 150 करके आता है, ठीक है, मगर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा था तो 250 करके ये लोग सेल कर रहा था। बाकी यहाँ पे मछली जो है वो अभी निकाला जा रहा है, ये सब अभी टांगा जाएगा, मतलब ऊपर रस्सी से पूरा लगाया जाएगा, अभी जो सेलर है वो पूरा लगा रहा है बैग फैग। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग जो अपने भांजे के लिए जो साइकिल खरीदने के लिए गए थे वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। मेनली दोस्तों मैं ये वाला साइकिल जो मैं भांजे के लिए ख़रीदा हूँ, और जब मेरा भांजा छोटा था ऐसा जो बाइक है वो खरीद के देने का मेरा मन था, मगर वो पूरा पैसों का वेस्टेज है, जिसके कारण मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी सोचा नहीं। क्योंकि वो बाइक कितना दिन तक वो चलाएगा, ये साइकिल वो चलाएगा 1-2 साल तक चलाएगा, तो वो साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाएगा, तो वो साइकिल उसको बहुत पसंद आया है। तो चलो भाई फिर से हम लोग उंगरेटी पेट मार्केट का वीडियो देखते हैं, मतलब मैंने वीडियो को बीच बीच में लगाया है ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ऐसा वीडियो अच्छा लगता है ना आप लोगों को, मेरे को पता है। तो चलो भाई एंजल फिश दिखाता हूँ, एंजल फिश यहाँ पे सेल हो रहा था 22 रुपये करके,
और यहाँ पर बहुत सारा ऑस्कर था हॉर्मोन फीडेड वाला। हॉर्मोन फीडेड क्यों दोस्तों? क्योंकि उन लोगों का कलर बहुत डार्क है, डार्क कलर का ऑस्कर मतलब हॉर्मोन फीडेड ऑस्कर होगा ही होगा। पीकॉक बास सेल हो रहा था, पीकॉक बास का प्राइस था यहाँ पे 170 करके। ये वाला जो कैटफिश देख रहे हो ये कैटफिश 150 करके था। ये कैटफिश का साइज पहले वाले से बड़ा है, मगर पहले वाले सेलर से ये सस्ते में दे रहा है, मगर मतलब सेलर टू सेलर वैरी करता है, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पहले घूमो। रेड चिली ऑस्कर था हॉर्मोन फीडेड वाला, आप लोग भाई रेड चिली ऑस्कर मत खरीदो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि वो हॉर्मोन फीडेड वाला मछली है, वो आगे जाके ब्रीडिंग भी नहीं करेगा और उसका लाइफ स्पैन भी कम होता है। और रेड कलर जो आप लोग देखा ना पूरा एकदम डार्क रेड कलर, वो एक हफ्ते के बाद आपके घर में जाने के बाद एक हफ्ते या फिर एक महीने के बाद धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको कहाँ से वो केमिकल हॉर्मोन खिलाओगे भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉर्मल नेचुरल कलर का मछली आप लोग खरीदो। और यहाँ पे भी कुछ लोकल बेटा फिश सेल हो रहा है, लोकल बेटा फिश मतलब कि जो इम्पोर्टेड वाला ओईचएम है उसके साथ जो भेलटेल वाला का फीमेल है वो इन्होंने ब्रीडिंग करवाया है। भेलटेल के साथ पता है क्यों इन्होंने ब्रीडिंग करवाया है? क्योंकि भेलटेल का फीमेल बहुत सारा अंडा देता है, एक एक बार में 600-700 तक अंडा देता है, और इसलिए ज़्यादा बच्चा लेने के चक्कर में इस तरीके से ब्रीडिंग करवाया गया है। तो ये अंकल के पास अभी मैं आ चुका हूँ, इसके पास बहुत सारे अमेजोन सोर प्लांट्स है और भी बहुत सारे प्लांट्स है। अमेजोन सोर जो प्लांट्स है उनके पास 6-8 रुपये करके स्टार्टिंग है पीसेस, ठीक है। और इनके पास बहुत सारा स्ट्रीम भी है। तो मेरे वीडियो के बैकग्राउंड पे अभी आप लोगों को जो डॉग्स है उसका आवाज़ आएगा, क्योंकि अभी रात के 12:03 का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया है तो सभी चैनल पे वीडियो तो देना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी डेली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रात जाग के वीडियो बना रहा हूँ। कल दोस्तों संडे है, कल के दिन बहुत सारे लोगों का मछलियों का पैकिंग होने वाला है, बेटा फिश गप्पी फिश और बहुत सारा मछलियों का पैकिंग होगा, तो सब लोगों का मछली पैकिंग का वीडियो परसों शायद से मंडे ट्यूजडे को आ जाएगा, ठीक है। तो जो सब भाई लोगों ने ऑर्डर किया है सब लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हमेशा मेरा डिस्पैच में कभी कभी लेट होता है, थोड़ा सा आप लोग वेट करो। बाकी यहाँ पे जो पैरट देख रहे हो ये पैरट का प्राइस था 170 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पैरट है, दोनों पैरट को साथ नहीं रखा है क्योंकि शायद से फाइट करेगा छोटा जगह में आएगा। तो यहाँ पे भी ऑस्कर फिश है, ऑस्कर फिश के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, हॉर्मोन फीडेड मछली मत खिलाओ, मतलब हॉर्मोन फीडेड मछली मत खरीदो। फिलहाल देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे मेरा भांजे का बर्थडे का केक, और मेरे भांजे का बर्थडे का केक के बारे में बताऊँ तो ये केक खरीदना पड़ा था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मेरा दीदी केक बनाता है, उसका बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरा भांजे के बर्थडे के दिन वो अपने हाथों से केक बनाएगा, मगर दुकान का जो फ्रिज है वो दुकान पे है और यहाँ पे घर का फ्रिज खराब हो गया है, जिसके कारण मेरा दीदी अपने हाथों से केक नहीं बना पाया। खैर छोड़ो, हम लोग तो मज़े करेंगे। तो फिलहाल मेरा भांजा केक काट रहा है, और इसका जो बर्थडे था वो 13 अक्टूबर को था। तो सब लोग दोस्तों बीलेटेड हैप्पी बर्थडे लिख देना, मेरा भांजे का नाम है पीतीस, तो बीलेटेड हैप्पी बर्थडे पीतीस लिख देना। और ये जो फटता है बॉम्ब जैसा प्लास्टिक चारों तरफ बिखर जाता है कलरफुल प्लास्टिक, वो मेरा भांजा फोड़ नहीं पाया है, बहुत देर तक हम लोग ट्राई कर रहे थे, और मेरा जो जामाई बाबू है मेरा दीदी का जो पति है वो भी बहुत देर से ट्राई कर रहा था, वो भी उसको फोड़ नहीं पाया है, मगर दोस्तों वो अचानक से रखने के बाद फूट गया और केक के अंदर बहुत प्लास्टिक चला गया था। खैर छोड़ो भाई, वो केक को हम लोगों ने साफ सफाई करके खा लिया था। मेरे को दुकान का केक उतना पसंद नहीं आता है, मेरा दीदी का हाथ का जो केक है वही मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सबसे हाई क्वालिटी का चीज़ें दिया होता है। यहाँ पर दुकान वाला केक में पाम ऑयल यूज़ होता है, जिसके कारण मेरे को पसंद नहीं आता है। तो ये मेरा भांजा है और ये मेरा भांजे का दोस्त है, मतलब मेरा भांजे का बहन है, ठीक है, ये पड़ोस में रहता है। तो चलो भाई लोग, गुड नाइट सब लोगों को, गुड नाइट मतलब वीडियो आप लोग देखोगे तो शाम को 6-7 बजे के टाइम पे, फिर भी भाई गुड नाइट, 12:03 कितना हो रहा है अभी, 6 मिनट का टाइम हो रहा है। चलो भाई मैं जा रहा हूँ सोने, यहाँ पे चैनल का लोगो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर लो, दो वीडियो और भी रिकमेंड कर रहा हूँ हमेशा की तरह, यहाँ से दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो, बहुत मज़ेदार होगा। चलो भाई, बहुत नींद आ रहा है, गुड नाइट सब लोगों को।